धनबाद के लाला खान हत्याकांड में धनबाद पुलिस ने बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र स्थित बाड़ी को ऑपरेटिव के एक मकान में छापेमारी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में मनीष सिंह, विजय सिंह एवं शिवशंकर यादव शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों युवकों का संबंध बिहार के सिवान महाराजगंज से है। उनके पास से 10 लाख से अधिक रुपए भी बरामद किए गए हैं। ये तीनों बाड़ी को ऑपरेटिव स्थित अशोक सिंह के मकान में घटना के बाद छुपकर रह रहे थे। मनीष सिंह अशोक सिंह का करीबी रिश्तेदार है। रविवार रात हत्याकांड से जुड़ी जानकारी के आधार पर एएसपी धनबाद बोकारो पहुंचे। बोकारो पहुंचने के बाद एसपी बोकारो से संपर्क कर सेक्टर 12 इंस्पेक्टर उज्जवल शाह के नेतृत्व में बाड़ी को ऑपरेटिव में छापेमारी की गई। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि मनीष रामगढ़ रांची रेंज के गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव के बेटे अमन श्रीवास्तव गिरोह का शार्प शूटर है। धनबाद एएसपी तीनों गिरफ्तार युवकों को लेकर धनबाद रवाना हो चुके हैं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोच। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयां ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.